i am balwan singh i am assistant professor in the department of communication engineering in ims engineering college ghaziabad which is affiliated with dr apj abdul kalam technical university lucknow and uh, in the last lecture we had discussed about uh, continuous time fourier series today we will discuss about the uh, fourier series for डिक्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल्स हियर सपोज वी हैव ए डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एक्स एन एंड ये आपका पीरियडिक कब होगा जब एक्स एन इज टू एक्स एन प्लस एन यहाँ पे आपका एक्स एन इसक्व टू क्या हो जाए एक्स एन प्लस एन हो जाए जहाँ पे एन इज नोन एज फंडामेंटल पीरियड फंडामेंटल पीरियड period, या पीरियोडिसिटी भी कहते हैं कैपिटल एन इज द पीरियोडिसिटी ऑफ द सिग्नल ठीक है फर्स्ट इंफॉर्मेशन और ये जब हमने डिस्क्रीट टाइम डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल के बारे में देखा तो वहां भी ये चीज लिखा हुआ था यानी कि कैपिटल एन सीक्वेंस के बाद सेम सिग्नल रिपीट हो सिंपल सा इसका मतलब ये होता है यहां पे अगर हम द सेट ऑफ ऑल डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल जो कि पीरियोडिक हैं और जिनका फंडामेंटल पीरियड कैपिटल एन है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फाई के एन इस्क्व टू ई की पावर जे के ओमेगा नॉट एन या ओमेगा नॉट की वैल्यू सबको पता है ट्वाइस पाई बाई कैपिटल एन होता है वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा ई e की पावर जे ट्वाइस पाई बाई कैपिटल एन इन पाई जहाँ के की वैल्यू जीरो वन टू थ्री फोर एंड माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर हो जाएगा ठीक पहली इंफॉर्मेशन दूसरी चीज़ क्या है कि इसको अगर थोड़ा हम ऑब्जर्व करें तो हमको ये पता चलेगा जैसे हम के की वैल्यू अगर वन यहाँ पे रखते हैं सॉरी जीरो से शुरुआत करते हैं चलो के की वैल्यू हमने जीरो रखा तो ये आपका हो जाएगा e की पावर जे सॉरी ये तो जीरो हो जाएगा ट्वाइस पाई बाई एन इंटू एन यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी वन सिमिलरली अगर हम फाई एन यानी के की वैल्यू कैपिटल एन रख देंगे तो आपका हो जाएगा ई e की पावर जे कैपिटल एन टाइस पाई बाई एन इन टू एन इस एन से एन कैंसिल हो जाएगा ई e की पावर जे ट्वाइस पाई ये हो जाएगा cos ट्वाइस पाई एन प्लस जे साइन टाइस पाई एन एन की वैल्यू जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है तो इस तरह से आपके कॉस कॉस जीरो प्लस जे साइन जीरो इसकी वैल्यू वन होगी अगर एन की वैल्यू आप वन रखेंगे तो हो जाएगा कॉस टू पाई प्लस जे साइन टू पाई इसकी वैल्यू क्या होगी भी वन होगी एंड सो ऑन एन की कुछ भी वैल्यू आप रखोगे इसका जो रिजल्ट आएगा फाइव एन का वो क्या आएगा आपका वन ही आएगा तो इस तरह से सिमिलरली इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ के इज इक्व टू वन देन वी देन के इज इजक्स टू वन एंड द वैल्यू ऑफ के इज इक्व टू एन प्लस वन गिव द सेम रिजल्ट सो फाइव वन एन इज्क्स टू फाइव एन प्लस वन एन ठीक है दिस इज द बेसिक कंसेप्ट तो इसको जनरलाइज फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि फाइव के एन क्वस टू फाइव के प्लस आर के प्लस आर आर की वैल्यू जीरो वन टू थ्री फोर फाइव के प्लस आर एन ठीक है तो एक चीज तो ये हो गया पहली इंफॉर्मेशन ये हो गई कि अगर आपका डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है जिसकी पीरियोडिसिटी एन है देन वी विल गेट दिस इंफॉर्मेशन दूसरी चीज क्या है इससे पहले जो हमने इक्वेशन फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री अगर हम इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लें लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है ए वन फाइव नॉट एन प्लस ए टू फाइव वन एन प्लस ए थ्री फाइव टू एन एंड सो ऑन अगर हम इस तरह से इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लें तो इन सब का जो कॉफिशेंट है या जो हमारी वैल्यू आई है फाइव जीरो फाइव वन फाइव वन इनका लीनियर कॉम्बिनेशन को अगर हम एक साथ ऐड कर दें सो वी कैन राइट देखो a के a के a के की वैल्यू क्या है 0 1 2 3 4 5 1 ये लीनियर कॉम्बिनेशन आपका है a के phi के n दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन और यहां पे phi के n की वैल्यू जो होती है उसको आपने रख दिया तो e की पावर j के ओमेगा नॉट n एंड ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाय n तो आपका इक्वेशन नंबर 2 तैयार हो गया ये क्या हो गया बेसिकली हमको क्या ध्यान रखना है कि ये जो फाइव जीरो फाइव वन फाइव टू आया है इसका हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिया है ठीक सिंस द सीक्वेंस फाइव के एन आर डिस्टिंक ओवर ए रेंज कैपिटल एन सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ के अब यहां पे समझना हमको क्या है कि क्या क्योंकि हम डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल ले रहे हैं डिस्क्रीट टाइम पीरियड वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल मीन्स लाइक दिस डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल एक दो तीन तो मान लेते हैं इसकी पीरियोडिसिटी अगर आप देखो तो इस सिग्नल से लेके इस सिग्नल तक ये पीरियोडिक है है ना ये जितना यहां से यहां तक है इतना यहां से यहां तक है तो जितना भी अगर आप देखेंगे एक पीरियड के अंदर यानी कैपिटल एन के अंदर फाइव वन फाइव टू और कैपिटल एन प्लस के अंदर जो फाइव वन फाइव टू सेम होगा तो इसको Uh, यही चीज हम यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिंस द सीक्वेंस फाइव के एन आर डिस्टिंग ओवर ओनली ओवर ए रेंज ऑफ कैपिटल एन सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ के सो द समेशन इन इक्वेशन टू नीड्स ओनली इंक्लूड टर्म्स ओवर दिस रेंज ठीक है यानी एक पीरियड के लिए हम बात कर लें इसके लिए पूरा हो जाएगा तो इसीलिए के यहां पे के वेरीज फॉर वन पीरियड दैट इज कैपिटल एन यहां पे क्या है के की वैल्यू जीरो वन टू थ्री फोर फाइव पूरा जाएगा यहां पे क्या है सिर्फ एक पीरियड के लिए आप बात कर रहे हो फिर आपने फाइव के एन की वैल्यू यहां पे रख दी एंड ओमेगा टू रख दिया ठीक है ओके यहाँ पे फिर आपका के की वैल्यू चाहे अगर आप जीरो से लोगे तो जीरो से एन माइनस वन तक जाएगा अगर आपने कहीं अगर आपने सपोज करो वन से लिया ये थ्री यहां पे लिखा हुआ है थोड़ा आपको थोड़ा सा मैंने अगर आपने मान लो वन से लिया तो वन टू थ्री फोर से लेके एन तक जाएगा ठीक है यानी लेंथ इसकी जो होगी कैपिटल एन होगी और यही इक्वेशन रिमेंबर दैट दिस इक्वेशन पर्टिकुलरली दिस इक्वेशन दिस इज बेसिकली नोन एज डिस्क्रीट टाइम फॉर सीरीज एंड द कॉफिशियंट ए के इज द फोरियर सीरीज कॉफिशियंट फॉर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्लियर सो दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीरियोडिक सिग्नल पीरियोडिक सिग्नल इन द टर्म्स ऑफ द फोरियर सीरीज कॉफिशियंट ओके नेक्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पीरियोडिक सिग्नल इन दिस इन द लास्ट इक्वेशन जो हमने यहां पर एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए आप एक्स एन इज टू समेशन फॉर ए पीरियड कैपिटल एन ए के ई की पावर जे के ओमेगा नॉट एन ये आपका फोरियर सीरीज रिप्रजेंटेशन है ए के ई की पावर जे के ओमेगा नॉट एन तो इस इक्वेशन में अगर हम एन की वैल्यू जीरो रखें यू कैन सी दैट मैं यहाँ पे चाहे लिख देता हूँ आपके आसानी आसानी होगी एक्स एन इसको टू के फॉर ए पीरियड एन ये हो जाएगा ए के इंटू ई की पावर जे के ओमेगा नॉट एन यहाँ पे एन की वैल्यू आप रखेंगे जीरो देन यू विल गेट दिस वन इफ यू विल पुट द वैल्यू ऑफ एन इक्व टू वन देन वी विल गेट दिस वन एंड इफ द इफ विल पुट द वैल्यू ऑफ एन स्मॉल एन कैपिटल एन माइनस वन देन वी विल गेट दिस इक्वेशन ओके ऑन द डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ स्मॉल एन ट द फोर ईयर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम फोर ईयर डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल ओके एक चीज और यहां पे हमको समझना पड़ेगा इस, इस वाले इक्वेशन में इस वाले टर्म के बारे में क्योंकि इसकी हमको आगे जरूरत पड़ेगी इस पूरे टर्म के बारे में जरा सा हम सोचते हैं इसकी वैल्यू जो होगी कैपिटल एन होगी कब कैपिटल एन होगी जब के की वैल्यू जीरो प्लस प्लस माइनस एन प्लस माइनस टू एन और इसकी वैल्यू जीरो होगी जब के इस इन वैल्यूज के अलावा सारी वैल्यूज पे जीरो होगा देखो जैसे मान लो अब यहां पे देखो हमको के की वैल्यू वैरी करनी है ठीक है के की वैल्यू हमको वैरी करनी है यहां पे रखो जीरो तो अगर हम जीरो रखेंगे तो ई की पावर जीरो प्लस ठीक है अब के, अब के की दूसरी वैल्यू रखो एन रखो के की वैल्यू हम एन रखेंगे तो ई की पावर जे 2i n ठीक है अगर हम मालूम माइनस रखेंगे तो अलग केस कर लेंगे e की पावर j 4π n हर केस में ये क्या आएगा 1 1 1 एंड 1 हर जगह 1 1 1 एंड सो ऑन कब तक आएगा कैपिटल n पॉइंट तक तो अगर हम सबको ऐड करेंगे इन सबको क्योंकि ये समेशन है n इज n इज वेरिज फ्रॉम 0 टू लेके कैपिटल n तक जब हम सबको ऐड करेंगे वन को कैपिटल एन टाइम ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आता है एन ही आएगा जैसे अगर मान लो वन को हमने फोर टाइम ऐड किया तो कितना आएगा फोर आएगा वन को अगर हमने सेवन टाइम ऐड किया तो कितना आएगा सेवन आएगा ठीक एक तो ये कंडीशन हो गई कि अगर के की वैल्यू जीरो से लेके एन प्लस माइनस एन जो भी रखते चले जाओगे तो कैपिटल वैल्यू इसकी एन आ जाएगी ठीक है दूसरी चीज हमको ये समझना है कि ये जीरो आ जाएगा अगर इसके अलावा आप के की वैल्यू इसके अलावा कुछ भी रखेंगे तो ये जीरो आ जाएगा कैसे आ जाएगा इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक वैल्यू हम कोई रख देते हैं के की के की कोई भी वैल्यू रख देते हैं सपोज करो हमने रख दिया कैपिटल एन नहीं होना चाहिए कैपिटल एन की वैल्यू सपो एट है, है ना यानी उस पीरियड के अलावा आपने कोई वैल्यू रखा जीरो वन जीरो एट सिक्सटीन है ना थर्टी टू इसके अलावा कोई वैल्यू अगर आप रखोगे तो प्रैक्टिकली जब हम कोई एग्जाम्पल लेंगे तो वहां मैं ज्यादा अच्छे से क्लियर से आपको बता पाऊंगा इसकी वैल्यू हरदम जीरो होगी वो कैसे होगा वो ऐसे होगा कि ये हो जाएगा ई e की पावर जे थीटा के फॉर्म में और कभी हो जाएगा कभी uh, कैपिटल के की वैल्यू के ई की पावर माइनस जे थीटा के फॉर्म में हो जाएगा तो होता क्या है बेसिकली क्या हो जाएगा ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा मान लो दो टर्म आपके गए है ना अब ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस जे साइन थीटा तो ये जे साइन थीटा से ये जे साइन थीटा थी जाएगा इसी तरह से और कोई टर्म आएगा जिसमें आपका आ जाएगा माइनस कॉस थीटा तो इस माइनस कॉस थीटा से ये कट जाएगा तो अल्टीमेटली सारे टर्म कट आउट हो जाते हैं और रिजल्ट जो आता है इस इक्वेशन का वो जीरो आता है ठीक <coughs> तो यानी जो पीरियड है उतनी ही वैल्यू आपको के की रखनी है तो इसकी वैल्यू क्या N. आएगी कैपिटल एन आएगी दिस इज इंफॉर्मेशन फॉर फर्दर कैलकुलेशन जहां पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये चीजें आपको क्या होना चाहिए पता होना चाहिए सो नेक्स्ट नेक्स्ट द सम ओवर वन पीरियड सिर्फ हम एक पीरियड की यहां पर बात करेंगे ऑफ द वैल्यूज ऑफ ए पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेशियल इज ज़ीरो वट एवर इज सेन इन इक्वेशन नंबर फाइव अनलेस दैट कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल इज कॉन्स्टेंट ठीक ये चीज यहाँ पे इक्वेशन नंबर फाइव में दिखाया गया है दूसरी बात यहां पे अगर हम इक्वेशन नंबर देखो अगर इक्वेशन नंबर थ्री यानी इक्वेशन नंबर थ्री वही जो आपका एक्स एन इक्वल टू समेशन फॉर ए पीरियड कैपिटल एन ए के इनटू ई की पावर जे के ओमेगा नॉट एन इसी वाला इक्वेशन इक्वेशन नंबर थ्री जो हमने फोर सीरीज रिप्रेजेंटेशन के लिए देखा था ये वाला इक्वेशन ठीक है हमने प्रैक्टिस के लिए भी किया था इसमें हम क्या करते हैं e की पावर माइनस जे आर ट्वाइस पाई बाई एन थ्रो मैथमेटिकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं और समिंग ओवर कैपिटल n टर्म्स ठीक है तो हमने क्या करा एक्स एन में ई e की पावर माइनस जे आर टॉइस पाई बाई एन को मल्टीप्लाई करा और इसको एक पीरियड के लिए ऐड कर दिया तो हमने अगर लेफ्ट हैंड साइड में किया है तो राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा और राइट हैंड साइड में जब हम करेंगे तो ये ई e की पावर देखो यहां पे क्या था पहले क्या था पहले क्या होता था ई e की पावर जे के ओमेगा नॉट का मतलब ट्वाइस पाई बाई एन इंटू एन था अब इसी में ई e की पावर माइनस जे आर ई की पावर माइनस जे आर ट्वाइस पाई बाई एन टू एन इसका इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट दिस वन और एक की रेंज क्या है के फ्रॉम फॉर ए पीरियड कैपिटल एंड एन और स्मॉल एन इज ऑल्सो वेरीज फ्रॉम कैपिटल हियर बी परफॉर्म सम मैथमेटिकल अरेंजमेंट और हमको इक्वेशन नंबर सात मिल जाएगा विच इज विच इज एन वेरीज पहले हमने क्या करा स्मॉल एन वेरी फॉर वन पीरियड जहां पे ए के जो आपका फोर सीरीज कोफिशियंट उसको एक साथ लिख लिया और दूसरा टर्म हमने के वेरीज फ्रॉम इतना इसको एक साथ रख लिया अब यहां पे ये जो इंफॉर्मेशन है ये काम आने वाली है इस पर्टिकुलर इस इक्वेशन के लिए ठीक है तो वही चीज बता रहे हैं कि जो जो मैंने आपको लास्ट में बताया था कि जो ये इक्वेशन नंबर सात का ये वाला पार्ट है इसके लिए हमारा क्या होगा कैपिटल एन वैल्यू होगी इफ के स्क्स टू आर और इफ के स्क् टू नॉट आर देन दे आर विल बी डिफाइंड मींस अगर आपका के स्क्व टू आर है तो आपका इक्वेशन नंबर सेवन कैपिटल एन होगा और अगर के स्क्व टू नॉट आर है तो जीरो होगा इसके पहले इस जो हमने ये वाला कंसेप्ट समझने की कोशिश करी थी तो यहां पे ये वैल्यू के स्क्व टू आर पे क्या होगा कैपिटल एन होगा क्योंकि ई की पावर जीरो जनरेट हो जाएगा और जब नहीं होगा ऐसा केस यानी के और आर बराबर नहीं होंगे तो जो मैंने दूसरा केस आपको बताया था इस तरह की सिचुएशन होगी जिसमें ये वैल्यू आपका जीरो आएगा तो कुल मिला के क्या हो जाएगा ये कैपिटल एन हो जाएगा तो ये कैपिटल एन हमने यहां पे रख दिया तो ए आर स्क्व देखो क्या हो जाएगा वन अपॉन एन देखो यहाँ पे इस वाले इक्वेशन नंबर सेवन में ध्यान से देखो सिर्फ बचेगा राइट हैंड साइड में ए के बचेगा है नहीं ए के इन टू एन बचेगा है ना राइट हैंड साइड में और ये कंसेप्ट हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया इक्वेशन नंबर सेवन में देन वी विल गेट ए आर इज टू वन अपॉन एन वन अपॉन एन एंड समेशन ओवर ए पीरियड कैपिटल एन एंड एक्स एन ई की पावर माइनस जे आर ट्वाइस पाई बाई एन एन विच इज इक्वेशन नंबर एट रेफरेंस के लिए तो यहां पे देखो आपके दो इक्वेशन आ गए यहां पे आर लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता आर की जगह हम वेरिएबल ये नाम बदल देंगे के रख देंगे तो यहां पे इन इस मैथमेटिकल एनालिसिस से हमारे पास दो इक्वेशन सामने नजर आए पहला चीज तो क्या है एक्स एन इक्व टू पीरियड कैपिटल एन विच इज ए के ई की पावर जे के ओमेगा नॉट एन और ओमेगा नॉट की दिस इक्वेशन इज नोन एज सिंथेसिस इक्वेशन एन ए के विच इज दिस इज टू वन अपॉन एन समेसन ओवर ए पीरियड कैपिटल एन एक्स एन ई की पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट एन विच इज़ नोन एज एनालिसिस इक्वेशन दिस इज दिस इज द बेसिकली फोर ईयर सीरीज पेयर फॉर डिस डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल फोर ईयर सीरीज पेयर फॉर डिस्क्रीट टाइम पीरियडिक सिग्नल अब यहाँ पर थोड़ा सा हमने क्या करा है की वैल्यू जीरो से लेके एन माइनस वन तक करा है और लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया है दूसरा हमने क्या करा के की रेंज हमने वन से करी है तो कैपिटल एन तक का ले लिया है फाइनली जो पहला हमने डिस्कशन किया था यहां पे हमने क्या बोला फाइव के एन स्क्व टू फाइव के प्लस आर आर कैपिटल एन या फाइव जीरो टू सो अपॉन कंपेयरिंग दीज इक्वेशन यानी एट एंड नाइन को हम अगर कंपेयर करें then we will get a naught is equals to a n. Similarly, by letting k range over any set of capital N uh, consecutive integers and equation this equation phi k n phi k plus r n then we can conclude that फाइव के एन स्क्व टू फाइव के प्लस एन इन एन जो पहला कंसेप्ट हमने जब शुरुआत करी थी पीरियोडिकिटी के लिए करा था तो हियर वी विल कंक्लूड दैट इफ वी कंसीडर मोर देन कैपिटल एन सिक्वेंशियल वैल्यूज ऑफ के द वैल्यू ऑफ ए के रिपीट पीरियोडिकली विथ पीरियड कैपिटल एन ओके अगर सो ओनली कैपिटल एंड डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल दैट आर पीरियोडिक With period capital N, the discrete time Fourier transform representation is a finite series with capital N terms. Second conclusion and third conclusion is, if we fix the capital N, consecutive values of k over which we define the Fourier series, we with obtain the set of exactly capital N Fourier coefficient that is ak. We are talking about here ak. And A K is defined for all values of K, but where only capital and successive elements in the sequence will be used in the Fourier series representation. These are the basic conclusions, whatever we had discussed in mathematical and logical uh, for Fourier series representation of discrete time periodic signal. To better understand. लेट्स हैव ए लुक एग्जाम्पल जो ये एग्ज़ाम्पल इस तरह का एग्ज़ाम्पल हमने कॉन्टीन्यूस टाइम कॉन्टीन्यूस टाइम पीरियोडिक फोरियर सीरीज़ के लिए भी करा था ये साइंस sign सिग्नल हमने लिया है और यहाँ पे क्या है डिस्क्रीट साइन सिग्नल है साइन एक्स एन स्क्व टू साइन ओमेगा एन साइन ओमेगा एन स्क्व टू टॉइस बाई एन हमने मान लिया पीरियोडिक होता है आपका साइन sign सिग्नल ये सबको पता है एंड uh, इसकी पीरियोडिसटी कैपिटल एन अगर हम मान लेते हैं तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी जो होगी ओमेगा नॉट पाई होगी हमको पता है साइन थीटा इसको टू होता है ई e की पावर जे थीटा माइनस ई की पावर माइनस जे थीटा अपॉन टू जे वो कंसेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे देन वी विल गेट ई की पावर जे ट्वाइस ई की पावर जेड ओमेगा नॉट की भी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया ट्वाइस पाई एन इंटू एन माइनस ई की पावर माइनस जे ट्वाइस पाई बाई एन डिवाइडेड बाई टू जे टू जे को हमने अलग अलग कर लिया अब देखो जो हमारा एक्स एन का स्टैंडर्ड इक्वेशन है समेसन एन इज टू फॉर ए पीरियड कैपिटल एन ए के ई की पावर जे के ओमेगा नॉट जे के ओमेगा नॉट या ओमेगा नॉट के ट्वाइस पाई बाई एन इंटू एन रखो अगर इसी को हम एक्सप्लेन करें तो देखो यहाँ ध्यान से देखो अगर हम इसको इससे कंपेयर करें देखो तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो वी कैन राइट दैट ए जीरो प्लस ए वन ई की पावर प्लस में आएगा पहला जे के ट्वाइस पाई बाई कैपिटल एन इंटू एन के के की वैल्यू हमारी वन हो गई है तो के यहाँ नहीं आएगा प्लस के की वैल्यू माइनस वन करें तो ये हो जाएगा ए माइनस वन ई की पावर माइनस जे ट्वाइस पाई बाई एन इंटू एन अब इसको इक्वेशन को कंपेयर करो तो ये वाला टर्म तुम इससे कंपेयर करोगे यानी आपका ए माइनस वन इस क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉइंट टू जे माइनस वन अपॉइंट टू जे और ए वन क्या हो जाएगा आपका वन अपॉन टू जे प्लस में ऑब्वियसली ए नॉट की वैल्यू क्या होगी जीरो होगी अगर हम यहां पे कंपैरिजन की बात करेंगे तो ठीक है तो ए माइनस वन क्या हो गया ए माइनस वन क्या हो गया आपका वन माइनस वन अपॉइंट टू जे और ए वन क्या हो गया वन अपॉइंट टू जे तो बेसिक फोर सीरीज का एक था उसकी हेल्प से ठीक है यहाँ पे थोड़ा सा uh, देखो ए वन ए माइनस वन यहाँ पे लिखा गया है एंड रिमेनिंग कोफिशियंट ओवर द टाइम इंटरवल समेशन आर जीरो सो द कोफिशियंट रिपीट विद पीरियड पीरियड कैपिटल एन सो एन प्लस वन इज ऑल्सो इक्वल टू वन अपॉन टू जे वट एवर वी हैड डिस्क इन द जब हम इसका फोर ए सीरीज का फार्मूला uh, जब अचीव करने की कोशिश कर रहे तो वहाँ पे यही हमने डिस्कस किया था तो दैट्स वाई दीज कॉफिशेंट रिपीट इट फॉर ए पीरियड कैपिटल एन सो एन प्लस वन इज इक्वल टू वन अपॉइंट टू जे एंड एन माइनस वन इक्वल टू माइनस वन अपॉइंट टू जे एंड इफ द वैल्यू ऑफ द कैपिटल एन इज फाइव देन वी कैन रिप्रजेंट द कोफिशियंट ऑफ ए के लाइक दिस मैनर ओके यानी आपने एक पीरियड के लिए पता कर लिया वन अपॉइंट टू जे वन अपॉइंट टू जे एक पीरियड के लिए सिर्फ एक पीरियड के लिए आपने पता कर लिया एक पीरियड के लिए सपोज करो ये आपने पता कर लिया देखो यही चीज अगर आपने बढ़ा रहा तो यही चीज बार बार आ रहा है ठीक है यही चीज हम डिस्कस कर रहे थे यहां पे टॉइस पाई बाई एन है यहां पे कंसीडर नाउ द चूजन टॉइस पाई बाई ओमेगा इज द रेशियो ऑफ इंटीजर दैट इज वेन ओमेगा नॉट इज टॉइस पाई बाई एम तो यहाँ पे एक्स एन क्या हो जाएगा एक्स एन क्या हो जाएगा अगर साइन कुल मिला के अगर आपका क्या हो गया यहां पे यहां पे अगर ये कंडीशन आप पुट करते हैं तो ये हो गया साइन ओमेगा नॉट एम एन पहले जो इक्वेशन था अब ये हो गया एम आ गया तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे देन वी कैन एक्सप्लेन लाइक दिस मैनर ठीक है तो ए एम स्क्वे क्या हो जाएगा वन अपॉन टू जे और ए माइनस एम क्या हो जाएगा ए माइनस वन इसक्व टू वन टू जे ए सॉरी ए माइनस वन इक्व टू हो जाएगा माइनस वन अपॉइंट टू जे देर इज ए सम माइनर कलरिकल मिस्टेक तो माइनस वन अपॉइंट टू जे ओके एंड फॉर एन स्क्व टू फाइव ए टू ए टू एंड यू कैन कंसिडर दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर यीरीज फॉर के इक्व टू एम ओके नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल, इफ़ वी टॉक अबाउट दिस एग्जांपल अगेन द प्रोसीजर इज सेम साइन थी टू ई की पावर जे थीटा माइनस ई की पावर माइनस जे थीटा डिवाइडेड बाय टू जे का कंसेप्ट आप लगाओ कॉस थीटा स्क्व टू कॉस थीटा स्क्व टू ई की पावर जे थीटा प्लस ई की पावर माइनस जे थीटा डिवाइडेड बाई 2 ये सब करने के बाद हम यहाँ पे ये इक्वेशन हमको अचीव हो जाएगा इसको देखो मैं लिख देता हूं एक लिख देता हूं साइन साइन ओमेगा एन इसक्वस टू ई की पावर जे ओमेगा एन माइनस ई की पावर माइनस ये जे ओमेगा एन डिवाइडेड बाई टू जे एंड कॉस ओमेगा एन इसक्वस टू ई की पावर जे ओमेगा एन प्लस ई की पावर माइनस जे ओमेगा एन डिवाइडेड बाई टू ठीक है ये सारा बहल्यू पुट करेंगे मैथमेटिकली इसको अरेंज करेंगे यू विल गेट दिस वन

और ए माइनस टू हमको जैसे लास्ट एग्जाम्पल में हमने किया था ये हमको मिल जाएगा और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें ए प्लस जे ए प्लस जे बी का मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कंसेप्ट यहां पे लगा दें देखो ए प्लस जे और फेस क्या होता है टेन इनवर्स बी बाई देन वी विल गेट दिस प्लॉट दिस इज द मैग्नीट्यूड प्लॉट एंड This is actually this is the not magnitude actually magnitude plot. This is for real part of AK and this is the imaginary part of AK. And with the help of the base last concept, under root A square plus B square, we will get magnitude plot also. And uh, tan inverse B by A concept. If we apply this concept, then we will uh, we will achieve the phase plot also. The uh, the given sequence. So thank you so much. And. Uh, जस्ट टेक केयर एंड दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टीज़ जैसे कि uh, तुम्हारे कॉन्टिन्यूस टाइम हो रही है ट्रांसफॉर्म में था इसको भी आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं किसी भी बुक से ठीक है सो थैंक यू सो मच